जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है मेरे सभी छोटे भाई बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया कि मार्च का महीना आप सबके लिए इस साल का सबसे बेस्ट महीना होने वाला है, बेस्ट वैकेंसी आने वाली है मार्च के महीने में। तो अगर आप अभी 12th पास किए हो या 10th क्लास पास हो तो आपके लिए वैकेंसियाँ बहुत जरूरी है, आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। लगभग इस महीने में आपको 1,30,000 के प्लस वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी जिनके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो और आने वाले समय में एग्जाम दे सकते हो। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो इन वैकेंसियों की ज़रूर तैयारी करें और इनकी एक के साथ एक फ्री तैयारी हो जाएगी। ये 3-4 वैकेंसी है जिनकी तैयारी में आपको कुछ ज़्यादा अलग नहीं करना, मतलब एक की तैयारी करोगे तीनों चारों की तैयारी हो जाएगी। थोड़ी सी जो चीज़ें ऐड करनी है या आपको इनका फिजिकल का जो क्राइटेरिया है वो पूरा मैं डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस में क्या प्रॉफिट है, आपका किस में प्रॉफिट है इन वैकेंसियों में से। तो दोस्तों एंड तक ज़रूर बने रहिए। अब बात करते हैं, सबसे पहले आप सभी को पता होगा जैसे कि RPF रेलवे पुलिस फोर्स की जो वैकेंसी है उसमें 11,000 के समथिंग पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है जिसकी नोटिफिकेशन 17 मार्च को आने वाली है, यानी 17 मार्च से उसके फॉर्म शुरू हो सकते हैं, जिसका एज क्राइटेरिया 18 साल से 25 साल और 10वीं क्लास पास है, यानी 10वीं क्लास पास वैकेंसी है ये। और एज क्राइटेरिया आपको 18 से 25 मिल जाता है, OBC वालों को 3 साल का अलग से छूट और SC ST को 5 साल का अलग से छूट मिलता है इसमें, यानी बहुत अच्छा एज क्राइटेरिया। इसकी अगर हाइट की बात करें तो 165 सेमी, लड़कियों के लिए 157 सेमी, लेकिन उत्तर भारत के जो कैंडिडेट हैं जितने भी उनके लिए लड़कों की जो हाइट है वो 162 सेमी और लड़कियों की जो हाइट है वो 152 सेमी, यानी बहुत ही कम हाइट, जिनकी हाइट का हमेशा प्रॉब्लम रहता है हाइट का, तो 10th क्लास पास के लिए बहुत ही कम हाइट की जो वैकेंसी है बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और आपको पता है इसका वर्क भी बहुत अच्छा है, इनकी जो सैलरी होती है वो 21,700 बेसिक पे, जो SSC GD का बेसिक पे भी सेम ही, ये सेम बेसिक पे। अब इसमें जो फिजिकल में क्या होता है, इसके फिजिकल में लड़कों के लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है, 5 मिनट 45 सेकेंड का समय होता है लगभग, मतलब 6 मिनट के आसपास का समय होता है 1600 मीटर की रनिंग के लिए। तो इसकी दौड़ आर्मी की तरह नहीं होती, अलग से होती है, तो आसानी से आप 5 मिनट 45 सेकेंड में ये दौड़ कर सकते हो। दोस्तों इसके साथ में आपका 4 फीट अप जंप होता है और 14 फीट लॉन्ग जंप होता है। लड़कियों के लिए 800 मीटर की रनिंग होती है, 3 मिनट 40 सेकेंड का समय होता है, 3 फीट अप जंप होता है और 9 फीट लॉन्ग जंप होता है। तो ये इसका पूरा फिजिकल का क्राइटेरिया। अब इसका जो पेपर होता है, पेपर में क्या होता है, पेपर में इसके होते हैं टोटल 120 क्वेश्चन, 90 मिनट का समय होता है, 50 क्वेश्चन GK के, 50 मैथ के, 50 रीजनिंग के, सॉरी 35 रीजनिंग के, 35 ही मैथ के और 50 क्वेश्चन GK के, टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का समय दिया जाता है, बहुत ही शानदार पेपर है ये। अब जो दूसरी वैकेंसी है SSC GD उसके बारे में देखिए कि इनमें और उनमें क्या फ़र्क है, मतलब क्या खास बात है। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि आप अगर RPF की भी तैयारी कर रहे हो या SSC GD की तैयारी कर रहे हो तो इन दोनों के लिए आपके पास में सबसे पहले एक टेस्ट सीरीज होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये परीक्षा ऐप है, इसकी जो टेस्ट सीरीज है रेलवे के लिए और SSC GD के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये इस ऐप से आप ऑनलाइन टेस्ट देके अपनी खुद की काबिलियत जान सकते हो। और इनका सिलेबस भी आपको पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर ओल्ड पेपर दिए हुए हैं ताकि आपको पता चले कि ओल्ड पेपरों में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने आपके नेगेटिव जा रहे हैं, और जो RPF में जो नेगेटिव माइनस मार्किंग रहती है वो भी आपको पता ही है, तो इससे आपको वो भी पता चलेगा। दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है और ये टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो, इसमें कमांडो 50 अगर आप कोड लगाओगे तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आज ही आप इसको ऐप को इंस्टॉल करके एक बार टेस्ट सीरीज से अपने आप को जांचिए कि आप में कितनी तैयारी है और कितनी आपको तैयारी करनी है, उससे आपको आपका आईना दिख जाएगी आपने कितनी मेहनत की है। तो दोस्तों अगर आप नए भी तैयारी करो तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि आपको क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं SSC GD, आप सभी को पता है SSC GD में 95,000 के आसपास या 93,000 के समथिंग वैकेंसी आने वाली है, लगभग वो 1,08,000 पोस्ट के आसपास जाएगी क्योंकि SSC GD का रिकॉर्ड रहा है, जितनी वैकेंसी रही है उसके बाद में उसमें इंक्रीज करने का रिकॉर्ड रहा है। दोस्तों आप सभी को पता है कि इसका भी जो आंकड़ा बाहर आ रहा है वो 1,08,000 के समथिंग पोस्ट की वैकेंसी आने वाली, मार्किंग भी होने वाली है, तो इसकी मेरिट भी ज़्यादा नहीं जाएगी। अब खास बात क्या है SSC GD का, अगर हम सिलेबस की बात करें हिंदी रीजनिंग GK मैथ उसमें भी सेम है, इसमें प्लस क्या है, केवल हिंदी प्लस है, तो एक ओनली हिंदी आपको पढ़नी अलग से, बाकी सेम सिलेबस है, आप तैयारी कर सकते हो। 90 मिनट का पेपर इसका होता है, 90 मिनट का पेपर उसका होता है। अब इसका जो फिजिकल क्राइटेरिया वो थोड़ा सा चेंज है, यानी इसमें 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में होती है, बहुत ही आसानी से कोई भी कर लेगा 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में 10 दिन तैयारी करके। उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है अगर आप शुरुआत में तैयारी करो, या तो मेरा दूसरा चैनल फौजी मैथ अकेडमी अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पर मैं हर एक नई अपडेट देता रहता हूँ कि कैसे इसकी फिजिकल की हमें तैयारी करें या कौन कौन सी नई वैकेंसियाँ आ रही है। दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं इसके जो फिजिकल और जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले इसका एग्ज़ाम होता है, तो यानी RPF
का एग्ज़ाम और इसके एग्ज़ाम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है, हिंदी प्लस है, बाकी दोनों की आप तैयारी कर सकते हो। जिनकी हाइट कम है और जिनकी एज ज़्यादा यानी 18 से 25 साल, या जो मेरे दोस्त SSGD में अभी रह गए हैं और 23 साल से ज़्यादा ओवर एज हो गए, उनके लिए भी RPF की वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी, बहुत अच्छा अवसर है। आपको तैयारी करनी है अच्छे से, बाकी आप RPF में भी। अब इसमें खास बात क्या रहेगी, दोनों वैकेंसी एक साथ है, दोनों का एग्ज़ाम भी एक साथ के आसपास अगस्त महीने में बताया जा रहा है। आपको पता है SSGD का तो अगस्त में है ही है, RPF का भी अगस्त महीने में बताया जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि मतलब आपको एक ही समय मेहनत करनी है, दो वैकेंसियों के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। मेरिट भी कम रहेगी नेगेटिव मार्किंग वजह से, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से इस बार SSGD की मेरिट काफ़ी अप रही, तो इस बार अगर नेगेटिव मार्किंग रही SSGD में तो मेरिट भी बहुत ही लो आ जाएगी और आपको आसानी से मौका रहेगा दोस्तों, आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि 1 लाख के समथिंग पोस्ट है और इसमें सभी नए लोग जुड़ने वाले हैं, क्योंकि जो पिछले बेस था उसमें से आपको पता है छटकर जो बहुत ही मेहनती लड़के थे वो 60,000 के समथिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक नया मौका मिल रहा है आपको, आप तैयारी कर दीजिए। इसके बाद में हम तीसरी वैकेंसी की बात करते हैं, वो है CRPF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रल। दोस्तों आपको पता है इसकी वैकेंसी बनने पहले जिन दोस्तों की हाइट और भी कम है, यानी हाइट कम है और टाइपिंग अच्छी आती है जिनको, या जिनका माइंड थोड़ा अच्छा चलता है, तो वो हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी का फॉर्म जरूर अप्लाई करें। ये फॉर्म भी आपको मार्च के महीने में भरने का मिल जाएगा अवसर, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन 2nd week February बता रखी है, तो अगर 2nd week February में या फरवरी के बाद में आती है, यानी मार्च महीने तक आप इसके भी फॉर्म भर दोगे दोस्तों, तो ये वैकेंसी भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसका आपको बताया मैंने, जिनका इनका रनिंग टेस्ट भी नहीं होता, तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। जिनकी रनिंग थोड़ी सी कमज़ोर है, शरीर थोड़ा सा मोटा पतला है, तो उनके लिए रनिंग टेस्ट भी इसका नहीं होता दोस्तों, तो रनिंग टेस्ट नहीं होगा तो आपको अवसर रहेगा साथ में तैयारी करने का। अलग से इसमें कुछ नहीं होता, एक पेसेज अलग से टाइप होता है, बाकी सेम सिलेबस होता है। थोड़ा सा इसमें 2.5 घंटे का पेपर होता है, मतलब 2.5 घंटे के समथिंग इसमें टोटल पेपर होता है, 50-50 नंबर के 4 पार्ट आते हैं इसमें, रीजनिंग, मैथ, GK और इंग्लिश, और साथ में एक 25 नंबर का और पार्ट आता है, 225 नंबर का इसका मतलब पेपर होता है, उसमें आपको केवल लिखना रहता है। तो उसके बाद में आपका इसमें होता है फिजिकल और मेडिकल, वो सेम होता है, हल्का मेडिकल कमज़ोर होता है, तो आपके लिए फ़ायदा हो जाता है कि अगर आप थोड़ा मेडिकली अनफिट है या फिजिकली थोड़ा सा अनफिट है, मतलब रनिंग वनिंग नहीं कर सकते, तो आप इस वैकेंसी की तैयारी कर लीजिए। ये 10वीं पास वैकेंसी है, तो मतलब ऐसा अवसर आपको इस साल में, पूरी साल 2021 में ऐसा अवसर नहीं मिलेगा दोस्तों, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और NCM की जो वैकेंसी, इसकी पूरी डिटेल मेरे दूसरे जो यूट्यूब चैनल है फौजी मेहता अकेडमी, उस पर पूरी इसकी डिटेल दी हुई है मैंने अच्छे से, SSGD की भी अच्छे से पूरी डिटेल है और RPF की भी अच्छे से डिटेल दी हुई, तो आप उस पर भी जाके देख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है 10th क्लास पास वाले जितने मेरे दोस्त हैं, वो अभी 10th क्लास पास किए हैं या पहले से अगर तैयारी करते आ रहे, तो इन वैकेंसियों के फॉर्म गवारा नहीं करना है दोस्तों, आपको 100% इसकी तैयारी करनी है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, तो आप ज़रूर इसकी तैयारी कर दीजिए शुरू, और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए और इन वैकेंसियों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इन तीनों वैकेंसियों में से मुझे अपनी एक सीट पक्की करनी दोस्तों। बाकी इनके जितने भी फिजिकल क्राइटेरिया, ये कब होगा, उसकी पूरी डिटेल आपको मैं मेरे चैनल पे देता रहूँगा, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।